उत्तरकाशी में टनल में फंसी 40 जिंदगियों को बचाने के लिए 5 दिन से जद्दोजहद चल रही है और अब जाकर उम्मीद जगी है कि अपनों का सुरक्षित लौटने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर मिल सकती है क्योंकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आ गई है। अभी क्या कुछ ताजा हालात है इस रिपोर्ट में देखिए। सांसों का संकट अब जल्द होगा खत्म। नॉर्वे थाईलैंड की विशेषज्ञ टीमों से मदद। हैवी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग जारी। पाइप के जरिए बाहर निकाले जाएंगे मजदूर। जीतेगी जिंदगी, हर मुश्किल से पाएंगे पार। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रविवार से फंसी 40 जिंदगियों की सांसों पर मंडरा रहा संकट अब खत्म होता दिख रहा है। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अब विदेशों के विशेषज्ञ टीमों की मदद ली जा रही है तो टनल के अंदर हैवी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग जारी है और जल्द ही ड्रिलिंग का काम पूरा होने की उम्मीद है। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत कार्यों में मिलिट्री ऑपरेशन की टीम भी शामिल है तो वायुसेना थल सेना भी बचाव अभियान में मदद कर रही है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने आज सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया। वीके सिंह ने कहा कि सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने का काम जारी है। हमें पूरी आशा है कि हमारा ये प्रयास सफल होगा। इसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि और जिस भी चीज की जरूरत हो वो यहाँ पर ले आए ताकि हमको फिर बाद में अगर कोई रुकावट आए तो उसके लिए देर ना लगे। रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह से ऑगर मशीन काम कर रही है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिका की ऑगर मशीन लगाई गई है। ऑगर मशीन की क्षमता जबरदस्त है। 25 टन की ये ऑगर मशीन है। प्रति घंटे 5 टन मलबा निकाल सकने की इसमें क्षमता है और 10 घंटे में ये मशीन 50 मीटर की खुदाई करेगी। रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश है। टनल से कैसे पाइप के जरिए मजदूरों को बाहर लाया जाएगा इसको भी ग्राफिक्स से समझाते हैं। इन ग्राफिक्स को आप देखिए और समझिए कि इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मजदूरों को बाहर लाया जाएगा और ये तकनीक अपनाई जाएगी। ऑपरेशन टनल के दौरान मजदूरों का ख्याल भी रखा जा रहा है। टनल के अंदर फंसे मजदूरों को टाइम टू टाइम ऑक्सीजन की सप्लाई और खाना भेजा जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारी टीम ने मौके से जायजा लिया। टनल में फंसी 40 जिंदगी के लिए ऑक्सीजन दी जा रही है। आप तस्वीर देखिए। सबसे पहले आज पांचवें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ये जो छोटी सी मशीन आपको बिल्कुल टनल के मुहाने पर दिख रही है ये ऑक्सीजन है। टाइम टू टाइम पर ऑक्सीजन उनको सप्लाई की जाती है ताकि जो मजदूर फंसे हैं किसी तरह से सांस लेने में उनको कोई दिक्कत ना आने पाए। एक्सपर्ट की राय पर यहाँ मेडिकल की टीम जो है वो बराबर मॉनिटरिंग करती है, यहीं से उनको ऑक्सीजन दी जाती है। इसके आगे जहाँ बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है वहाँ से खाने की पाइपलाइन पड़ी हुई है, वहीं से दवा की सप्लाई होती है और वहीं से उनसे बात भी की जाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मुख्यमंत्री धामी पलपल की अपडेट ले रहे हैं। सीएम ने उम्मीद जताई है कि अत्याधुनिक मशीनों की मदद से जल्द ही हम जंग जीतेंगे और टनल में फंसे सभी 40 मजदूर सुरक्षित लौटेंगे। सभी लोग चूंकि सबसे लगातार संपर्क हो रहा है, खाना, ऑक्सीजन, पानी, सभी व्यवस्थाएं उनके लिए वहाँ पर की जा रही हैं और सभी संपर्क में हैं, सभी सुरक्षित हैं। पहली प्राथमिकता है कि सबसे पहले सबको सुरक्षित निकाला जाए। ऑपरेशन टनल को 110 घंटे बीत रहे हैं और 40 जिंदगियां अभी भी टनल के अंदर फंसी हुई है, मगर अब इस पर से कुहासा के बादल छटते दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही सांसों की जंग को टनल में फंसे मजदूर जीत जाएंगे और अंधेरा छटने के साथ एक नया सवेरा आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, उत्तरकाशी।